कैसे हो बच्चों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ रहे हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तो इसके दो पार्ट्स को मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ये हमारा तीसरा पार्ट है। तो दो पार्ट्स में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें समझाई, बहुत सारा बेसिक भी समझाया। मैंने आपको बता दिया कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। अलैंगिक जनन में हम लोगों ने विखंडन और खंडन को पढ़ लिया है। तो अब मैं फिर से एक बार आपको बता दे रहा हूँ कि अलैंगिक जनन निम्न प्रकार से होता है। सबसे पहला क्या हो गया, विखंडन, फिर क्या हो गया, खंडन, फिर पुनरुद्भवन, फिर मुकुलन, फिर बीजाणु के द्वारा, फिर कायिक प्रवर्धन, और फिर क्या हो गया, कृत्रिम विधि। तो सभी को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको विखंडन के बारे में बताया था और खंडन के बारे में बताया था। अब हम लोग बात करेंगे पुनरुद्भवन की। पुनरुद्भवन क्या होता है, तो पुनरुद्भवन मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। इस प्रक्रम में किसी जीव का जब कोई कारणवश कई टुकड़ों हो जाता है, तो प्रत्येक टुकड़ा फिर नए जीव में यदि विकसित होता है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन। तो इसका थोड़ा वर्ड देखिए, वर्ड क्या है, पुनरुद्भवन। इसको हम लोग यदि ब्रेक करेंगे तो क्या आ गया, पुनः जोड़ उद्भवन, मतलब फिर से बनना। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि मान लीजिए हाइड्रा हो गया, हाइड्रा का हम लोग उदाहरण लेंगे। तो हाइड्रा में यदि इसको किसी प्रकार से इसका कोई पार्ट टूट जाता है, तो टूटने के बाद क्या होगा कि प्रत्येक पार्ट क्या करेगा, नए हाइड्रा का निर्माण करेगा। तो आप बोलेंगे ये हाइड्रा का क्या है, तो एक हाइड्रा जलीय जीव है। इसके बारे में आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो मान लीजिए यहाँ से इसका टुकड़ा हो गया, तो ये प्रत्येक भाग फिर हाइड्रा का निर्माण करेगा। तो आपने देखा एक हाइड्रा से जब बहुत हाइड्रा बन जाएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रिप्रोडक्शन बोलेंगे, जनन बोलेंगे। और इस जनन का खास नाम क्या हो गया, इस जनन का खास नाम हो गया पुनरुद्भवन। इसी के साथ एक और उदाहरण है, और यह है प्लेनेरिया का उदाहरण। तो प्लेनेरिया जैसे आप देख सकते हैं, चित्र में बना दे रहा हूँ इस प्रकार से, आपके बुक में भी दिया हुआ है, यह है प्लेनेरिया। तो प्लेनेरिया में भी यदि किसी कारणवश ये टूट जाता है, कट जाता है, तो इसके जो अलग अलग भाग हैं वापस से फिर नए ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पुनरुद्भवन या फिर पुनर्जनन। तो अब एक खास बात कि आपने छिपकली को भी देखा है, तो छिपकली में आपने देखा है कि उसका यदि पूंछ कट जाता है तो वापस से उसका पूंछ उग जाता है, ठीक है। लेकिन क्या आपने देखा है कि उसके पूंछ से वापस छिपकली उग जाए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये जो पुनरुद्भवन है सभी जीवों में हो, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जिसमें पुनरुद्भवन होगा और उसका पूंछ उग जाना, या फिर मान लीजिए आप स्टार फिश का बात करें तो उसका एक पैर उग जाना, ये होता है। लेकिन सभी ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सभी ऑर्गेनिजम्स का बॉडी डिजाइन क्या होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो यह संभव नहीं है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है मुकुलन। मुकुलन बहुत सिंपल है, आप जानते भी हैं। मुकुलन को हम लोग कैसे परिभाषित करेंगे, तो यह प्रक्रम में, इस प्रक्रम में जीव के शरीर पर एक उभार उत्पन्न होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मुकुल। और जब वह मुकुल उस जीव से हट जाता है, डिटैच हो जाता है, तो वह फिर नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुलन। तो उदाहरण में आप देख सकते हैं, यहां उदाहरण में फिर से हाइड्रा का ही नाम लिया गया है। तो आप बोलेंगे कि हाइड्रा को ही बार बार क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि आपके बुक में हाइड्रा का ही एग्जाम्पल लिया गया है। तो एक चीज और, तो आप यहां पर खास देखेंगे कि जो एक ऑर्गेनिज्म है उसमें कई प्रकार से रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। जैसे अभी हाइड्रा ही का बात करें हम लोग, तो हाइड्रा में हम लोगों ने क्या देखा कि पुनरुद्भवन भी हो गया और साथ साथ इसमें मुकुलन भी होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर एक बड निकलेगा, ये क्या निकलेगा, बड। अब ये बड धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा। ये बड धीरे धीरे ये बड़ा हो जाएगा, ये देखिए इस प्रकार से ये बड़ा हो जाएगा, और कुछ दिनों बाद ये हो सकता है कि डिटैच हो जाए। डिटैच हो जाए मतलब यहां से अलग हो जाए, और अलग होके ये फिर नया जीव का निर्माण कर देगा। तो इस प्रकार से नया जीव कहने का मतलब हाइड्राही होगा, मतलब दूसरा जीव नहीं हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह जनन होगा। इसी प्रकार से आपका एक और उदाहरण है ईस्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, खमीर। तो ईस्ट में भी आप देखेंगे कि इस प्रकार से एक आउटग्रोथ निकलेगा, मुकुल निकलेगा, जो कि बाद में डिटैच हो जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, मुकुलन बोलेंगे। तो ये भी हो गया आपका। इसके बाद जो सबसे खास आता है वह है बीजाणु के द्वारा।
तो आपने फफूंदी के बारे में पढ़ा होगा, तो ब्रेड जो होता है, ब्रेड में आपने देखा होगा कि कई बार फफूंदी उग जाता है। इस प्रकार से क्या हो जाता है, फफूंदी उग जाता है। तो बीजाणु मुख्य रूप से, बीजाणु के द्वारा रिप्रोडक्शन या फिर जनन किस में होता है, तो मुख्य रूप से फफूंदी में होता है। तो यदि हम लोग फफूंदी को देखेंगे तो इस प्रकार से फफूंदी का बॉडी होता है ये देखिए, और उसमें क्या होता है, बीजाणु धानी, बीजाणु धानी, और उसी बीजाणु धानी में क्या बनता है, बीजाणु बनता है। इस प्रकार से उसी के बीजाणु धानी में क्या बनता है, बीजाणु बनता है। और जब ये बीजाणु धानी टूट जाएगा तो ये बीजाणु क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, और फिर ये जब नम स्थानों पर जाएगा तो फिर से ये जर्मिनेट करेगा और फिर से नया ये ऑर्गेनिजम्स बनाएगा, या फिर बोलेंगे फिर नया फफूंदी बनाएगा। तो यहाँ पर जो उदाहरण है वह है ब्रेड मॉल्ड का, तो आपको यह उदाहरण याद कर लेना है। ब्रेड मॉल्ड में, ब्रेड मॉल्ड में कैसे रिप्रोडक्शन होना है, बीजाणु के द्वारा। तो बीजाणु कहाँ बन रहा है, बीजाणु धानी में बन रहा है। अब एक खास प्रश्न यहाँ से आपको पूछा जाता है कि जो बीजाणु है उससे यदि जनन होता है तो उससे क्या क्या फायदा होता है। तो देखिए, जो बीजाणु क्या होता है, यह एक गोल संरचना होता है जो कि मोटी भित्ति या फिर मोटी दीवार से बना होता है, जिस कारण से जो जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तब भी ये बीजाणु क्या होता है, जीवित रहता है। और जब ये बीजाणु नम स्थानों पर जाएगा या फिर बोलेंगे जब इसका अनुकूल परिस्थिति होगा तो वापस से ये क्या होगा, वृद्धि करेगा, और वृद्धि करके फिर से राइजोपस को बना देगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बीजाणु द्वारा ये इस प्रकार से रिप्रोडक्शन होगा या फिर जनन होगा। इसके बाद आता है कायिक प्रवर्धन। तो ये हम लोग देखते हैं कायिक प्रवर्धन में क्या क्या चीजें हम लोगों को पढ़ लेना है। तो कायिक प्रवर्धन को बताने के पहले मैं आपको दो चीज बताऊंगा। जैसे यदि हम लोग प्लांट का बात करें तो आप प्लांट में देखेंगे कि प्लांट में या फिर बोले पौधा में क्या क्या होगा। ये देखिए, ये मैंने यदि पौधा बना दिया तो इसमें क्या क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा, जड़ होगा, फिर क्या होगा, तना, फिर क्या होंगी, पत्तियां, तो मैं पत्ती लिख देता हूं, उसके बाद क्या होगा, फूल होगा, फ्लावर होगा। तो यदि हम लोग प्लांट का बात करें, पौधे का बात करें, तो यदि उसमें जनन किसके द्वारा हो, जड़ के द्वारा हो, तना के द्वारा हो, पत्ती के द्वारा हो, तो इस प्रकार का जो जनन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक प्रवर्धन बोलेंगे। और इसके अलावा यदि फूल के द्वारा जनन हो रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, लैंगिक जनन। तो हम लोगों को लैंगिक जनन आगे पढ़ना है, तो लैंगिक जनन मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। यहाँ पर हम लोगों को क्या पढ़ना है कि किस प्रकार से जड़ के द्वारा जनन होता है, किस प्रकार से तना के द्वारा जनन होता है, और किस प्रकार से पत्तियों के द्वारा जनन होता है। तो कायिक प्रवर्धन ऐसे परिभाषित किया जा सकता है, कैसे, जरा सुन लीजिए। कुछ पौधों में नए पौधे का निर्माण उसके कायिक भाग, तो यहाँ पर जड़, तना और पत्ती, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, कायिक भाग बोलते हैं, कायिक भाग। तो जब पौधों में जनन उसके कायिक भाग से होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे। तो कायिक जनन में जड़ के द्वारा हो सकता है, तने के द्वारा हो सकता है, और पत्तियों के द्वारा हो सकता है। तो आप बोलेंगे कि ऐसा तो हमने नहीं सुना है ना देखा है, तो ऐसा आपने सुना भी है देखा भी है, तो चलिए हम लोग उदाहरण लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले यदि हम लोग जड़ का बात करें तो जड़ में जो जनन है उसका उदाहरण हम लोग ले सकते हैं, मूली का उदाहरण ले सकते हैं, गाजर का उदाहरण ले सकते हैं। तो मूली और गाजर क्या होता है, यह मुख्य रूप से जड़ होता है, और इसको जब यदि आप काट के लगा देंगे, यदि काट के लगाएंगे तो आप देखेंगे फिर से नया प्लांट उग जाएगा। इस प्रकार से इससे जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, जनन हो रहा है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक जनन। यदि हम लोग तना का बात करें तो यहाँ तना में क्या होता है, आलू होता है। अब आप बोलेंगे कि आलू तना थोड़े ही होता है, वो तो जड़ होता है, तो ऐसा नहीं है। आप आगे के क्लासेज में पढ़ेंगे कि आलू को हम लोग रूपांतरित तना मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, तना। यदि आप आलू को बोएंगे तो आप देखेंगे कि इससे क्या होगा, नया पौधा बनेगा, नया पौधा। इसी प्रकार से प्याज भी क्या होता है, हम लोग तना मानते हैं क्योंकि इसमें जड़ भी होता है, तो प्याज हो गया। तो आलू है, प्याज है, ये सब तना है, तो इससे भी नए नए प्लांट उगेंगे, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कायिक जनन बोलेंगे, तना के द्वारा।
फिर पत्ती के द्वारा, पत्ती के द्वारा शायद आपने नहीं देखा होगा लेकिन एक पौधा है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रायोफाइलम, पत्थर चट्टा। इसमें देखेंगे कि पत्ती से ही बहुत छोटे छोटे प्लांट्स उग जाते हैं, बहुत छोटे छोटे प्लांट उग जाते हैं, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पत्ती के द्वारा जनन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे यहाँ कायिक प्रवर्धन हो रहा है, और कायिक प्रवर्धन में आपको जड़ के द्वारा, तना के द्वारा एवं पत्ती के द्वारा फिर यहाँ पौधों का विकास हो रहा है, या फिर बोलेंगे कि जनन हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट विधि जो देख रहे हैं वह है कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि में मानव ने अलग अलग विधियों का इजाद किया है और उसी के द्वारा फिर जनन होता है। जैसे आपने खुद भी किया होगा, जैसे गुलाब का पौधा है तो उसको आप काट के लगाते हैं, तो उसे अभी हम लोग क्या बोलेंगे, कृत्रिम विधि। तो कृत्रिम विधि विस्तृत रूप से आपको नहीं पढ़ाया गया है, मैं यहाँ तीन बता दे रहा हूँ। कृत्रिम विधि में पहला क्या हो गया आपका, कर्तन। दूसरा क्या हो गया आपका, रोपण। और तीसरा क्या हो गया आपका, लेयरिंग। तो कर्तन में आप गुलाब का उदाहरण ले सकते हैं, फिर रोपण में आप आम का उदाहरण ले सकते हैं, और फिर लेयरिंग में आप चमेली का उदाहरण ले सकते हैं। तो आखिर ये कर्तन, रोपण और लेयरिंग क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। तो सबसे पहला कर्तन हो गया मतलब कटिंग। कटिंग क्या हो गया कि एक प्लांट है तो आप उसके किसी भाग को काटते हैं और वापस इसको जमीन में लगा देते हैं, तो वहां फुनगी निकलेगा और फुनगी निकलने के बाद ये वापस प्लांट बन जाएगा, तो इसको बोलेंगे कर्तन, क्योंकि कटिंग हो रहा है, कटिंग के द्वारा प्लांट बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे, कर्तन, कटिंग। दूसरा क्या होता है, रोपण। रोपण को मैं बाद में पढ़ा रहा हूं। अब देखिए एक ऐसा प्लांट है जिसमें इस प्रकार से ये देखिए डाली है, इस प्रकार से ये डाली है। तो यदि मान लीजिए इस प्लांट के इस डाली को हम लोग झुका के ऐसे जमीन में लगा देते हैं, इस प्रकार से जमीन में लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों बाद इसमें क्या आ जाएगा, जड़ आ जाएगा। तो जड़ आ जाएगा तो फिर ये प्लांट से जुड़ा हुआ है, ये भाग प्लांट से जुड़ा हुआ है, तो क्या करिए आप यहां से काट दीजिए तो एक नया प्लांट बन जाएगा, और इस प्रकार से जो रिप्रोडक्शन होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लेयरिंग। जैसे कि चमेली का उदाहरण आपको याद रखना है, जिसे हम लोग जैस्मिन भी बोल रहे हैं, तो चमेली को इस प्रकार से लेयरिंग विधि द्वारा उसका रिप्रोडक्शन यानी कि जनन कराया जा सकता है। इसके बाद है रोपण। तो रोपण में क्या होता है कि एक पौधा जमीन में लगा हुआ रहता है, अब आप क्या करते हैं, कहीं से दूसरे पौधे को काट के लाते हैं उसी प्रजाति का, और उसके ऊपर आप इसको लगा देते हैं। तो आजकल आपने आम देखा है कि छोटे छोटे आम क्या होते हैं, उसमें बहुत जल्दी फल आने लगते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे आजकल प्लांट देखे हैं जो कि छोटे छोटे होते हैं और उसमें बहुत सारे फल आने लगते हैं, बहुत सारे डिफरेंट फ्लावर्स देखे हैं। तो वो कैसे बनाया जाता है, लेयरिंग के द्वारा बनाया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तो उसमें एक जो पौधा है वो जमीन से लगा रहेगा और उसी पे कहीं से कटिंग करके ला के ऊपर लगा दिए जाता है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफ्टिंग। तो इसका उदाहरण क्या हो गया आपका, आम, रोपण देख सकते हैं। तो यही हो गया कर्तन, रोपण और लेयरिंग, ये तीन विधियां हो गई। तो इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन। तो ये मैं आपको आगे कभी पढ़ा दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।